हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टॉक के बारे में और इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम मंथली चार्ट पर देखना चाहेंगे। जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है 1 मंथ के आसपास, यानी 1 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, उन लोगों के हिसाब से हम एनालिसिस कर रहे हैं। फिर इंट्राडे के बारे में भी बात करेंगे। तो मंथली चार्ट पर आपको क्या दिख रहा है कि एक अप मूवमेंट है, स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है, बड़े लेवल पर ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ से हमें सेंटिमेंट पॉजिटिव मिल जाता है। ठीक है, वीकली चार्ट पर देख ले तो वीकली चार्ट पर भी स्थिति वही है, लेकिन हम यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम सपोर्ट मार्क करने का प्रयास करेंगे, तो सपोर्ट हमारा निकल करके आता है 259 रुपए पर। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, एडजस्ट कर लेंगे। और एक रेजिस्टेंस स्टॉक ने जोन बनाया है, वो बनाया है 277। ठीक है, हम चलते हैं डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट फ्रेम पर आपको क्या नजर आएगा कि डेली चार्ट फ्रेम पर स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अभी स्टॉक 270 पर ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना है, 277 का लेवल स्टॉक जैसे ही ब्रेक करेगा तो आपको एंट्री लेनी है। बाइंग साइड में आपको खरीदारी इसमें करनी है। ठीक है, और अगर टारगेट की हम बात कर लें तो लगभग 350 रुपए के टारगेट इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 278 रुपए के लेवल को ब्रेक होने के बाद ही एंट्री ले। ठीक है, उससे पहले एंट्री ना ले। और अभी जिन लोगों ने ले रखा है वो 260 रुपए या 259 रुपए के स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, तो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लेते हैं। तो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक में क्या मूवमेंट हो सकता है, तो इंट्राडे स्टॉक इस स्टॉक में ना करें तो बेटर है मेरे हिसाब से, क्योंकि मूवमेंट नहीं है, साइडवेज है स्टॉक, तो इसमें इंट्राडे ना करें। ठीक है, बाकी आपका एनालिसिस क्या है, क्या कहता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।